हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेस्ट अल्ट कॉइन्स के बारे में जिसके रिगार्डिंग काफी कमेंट्स मुझे आते रहते थे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। इन सभी के बारे में आप एक एक बार सुन लेना, हाईलाइटेड चीजें डिस्कस करेंगे और इनको खुद से एक्सप्लोर करना। इनमें से आपको जो भी बेस्ट लगे या फिर सारे अगर आप कर सकते हो भाई तो डेफिनेटली करना, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं डेफिनेटली। तो लास्ट तक वीडियो को देखने की कोशिश करना। फिलहाल जो हाईलाइटेड न्यूज है मैं आपको बता देता हूँ कि पुतिन जो कि रशिया के अपने पीएम है, तो उन्होंने एक काफ़ी अच्छी बात बोली अभी रिसेंटली कि उनको ब्लॉकचेन चाहिए कहीं ना कहीं अपने इंटरनेशनल सेटलमेंट पेमेंट के लिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा नेगेटिव न्यूज़ भी बहुत हैं जो कि मैंने रिसेंटली वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर कर दी, उसको आप रेफर कर सकते हो। सीधा पॉइंट पर चलते हैं, मार्केट अभी थोड़ा सा क्रैश है, बिटकॉइन और भी क्रैश जा सकता है क्योंकि एज प्रेडिक्टेड रीज़न ये है कि दिसंबर में फोम्स मीटिंग अगेन होने वाली है 14th of December को। तो वहाँ पर अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है अगेन इसके जो इन्फ्लेशन रेट को लेके, तो डेफिनेटली ये डाउन जा सकता है। और अगर पॉजिटिव आती है तो वहाँ से थोड़ी बहुत पंप हमें देखने को मिल सकता है, स्मॉल पंप मार्केट के अंदर। तो सीधा चलते हैं पहले कॉइन्स की ओर बढ़ते हैं जो कि है XRP। देखिए XRP से रिलेटेड आप अपने चैनल पर अगर देखोगे, मेरे ही चैनल पर मतलब, तो काफ़ी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी ऑलरेडी, क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट मेरा ये टोकन है। रीज़न ये है क्योंकि अगर बिटकॉइन इथेरियम के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप जिस किसी टोकन के पास अगर है तो वो है XRP। फिलहाल जो इसका प्राइस है इंडियन रुपी में 31 के आसपास है, और ये अगर 30 के आसपास आपको मिल रहा है, जैसा कि आज का लो भी इसका 30 की सीरीज में था या फिर उससे डाउन जाता है रश केस में, क्योंकि बिटकॉइन अभी और डाउन जाएगा, तो हो सकता है आपको ये 26-27 रुपये तक भी दिखे, उससे डाउन काफ़ी मुश्किल है आपको ये मिले। लेकिन इस पॉइंट पर भी अगर आप इसको बाय करते हो और आने वाले टाइम पर, जैसा कि खास करके 2023 में भी आपको काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए डेफिनेटली, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। और इसका लो शूट जो केस है वो भी 2023 में क्लियर होने वाला है। तो गाइज ये काफ़ी बड़ा आपके लिए एक मोमेंटम हो सकता है कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को रैपिडली इंक्रीज करने का विद इन अ ईयर, यानी कि 2023 में ही आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। तो इस फोकस कॉइन पर आप काफ़ी अच्छे से रिसर्च कीजिए, मेरी मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट भी है ये कहीं ना कहीं, अगर अल्ट कॉइन की बात की जाए तो। सेकंड जो कॉइन है उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको कई बार बताया जो कि है जिलिका। जिलिका दोस्तों बेस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो इसमें जो डाउनफॉल आया है वो काफ़ी तगड़ा है, जैसे रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 12-13 रुपये की प्राइस से वापस से ये 1-1.5 रुपये के आसपास आ गए। अभी अगर आपको ये 1.6 के आसपास भी दिखता है तो आप इसको ग्रेप कर लीजिए अच्छे खासी क्वांटिटी में, और तब तक आपको इसको सेल नहीं करना है जब तक कि ये आने वाले टाइम पर मेटावर्स से रिलेटेड जो इसकी अपडेट आने वाली है उसको रिलीज़ नहीं कर देता, क्योंकि उस टाइम पर ये कम से कम मिनिमम मेरा जो प्रेडिक्शन है वो 10-11-12 रुपये के आसपास तो है ही, यानी कि ये सारे प्रेडिक्शन मैं बुल रन से पहले वाले दे रहा हूँ। बुलरन में तो डेफिनेटली आपको ये 10-20 गुना भी प्रॉफिट देने वाला है अकेला जिलिका टोकन, क्योंकि ये 20 रुपये के ऊपर भी जाने वाला है फॉर श्योर अकॉर्डिंग टू जो इसकी अपडेट्स आने वाली हैं, ठीक है, आने वाले टाइम पर। तो इसको आप डेफिनेटली ग्रैब कर लीजिए, उससे पहले भी आपको मिनिमम 5 गुना का प्रॉफिट तो ये डेफिनेटली देने वाला है। सपोज अगर आप इस रेंज में भी इसको बाय करते हो तो अगर ये 10 रुपये के आसपास 9 रुपये के आसपास जा रहा है तो आपका प्राइस ऑटोमेटिकली 5-6 गुना हो जाता है, तो ये बेनिफिट काफ़ी बढ़िया होता है, और वो भी अल्टकॉइन के अंदर। तो अल्टकॉइन में लोग हमेशा यही चीज़ ढूंढते रहते हैं कि यार उनको कम से कम ऐसा कॉइन मिले जो 5 गुना श्योर उनको गारंटी मतलब गारंटी के साथ प्रॉफिट दे सके। अब देखिए पोलका डॉट पर अभी रिसेंटली कई लोग बात नहीं कर रहे हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर आप देखोगे जो कहीं ना कहीं जो खुद के नेटिव टोकन है जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है, जैसा कि सोलाना की अगर बात की जाए, अभी हुबई की बात कर लो या इथेरियम BTC, तो इनकी हालत ख़राब है कहीं ना कहीं, तो उस वजह से लोग इनको भी इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन पोलका डॉट का जहाँ पे नाम आ जाता है तो चेन लिंक भी आप शामिल कर लीजिए, जो चेन लिंक करके आप एक टोकन है वो भी इसी की चेन पर बना हुआ है, तो ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको देने वाले हैं। अगर आप नेक्स्ट बुलरन के लिए अगर आप इनको पकड़ते हो अभी होल्ड करते हो तो ये आपको मिनिमम अश्योर 10 गुना का प्रॉफिट देने वाले हैं फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप इसका ऑल टाइम हाई भी देखते हो अगर तो वो भी 4000 के आसपास आपको नजर आता है। देख लीजिए आप यहाँ पर CMC पर जो कि मैंने इसका ऑल टाइम चार्ट खोला हुआ है, तो लगभग 4000 रुपये के आसपास इसका प्राइस था। तो अगर आप बुलरन से पहले भी सोचते हो, जैसा कि मार्केट पॉजिटिव होने ही वाला है क्योंकि हर कोई यही प्रिडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल फ्रेमवर्क भी 2023 में अफेक्ट में आएगा, तो डेफिनेटली उससे पॉजिटिविटी आएगी और काफ़ी चीज़ें और भी होने वाली हैं। जैसा कि अगर अडॉप्शन की बात करें, सबसे बड़ा जो यूटर्न है वो यही है मार्केट के अंदर कि इतना बियर मोड चल रहा है, सबसे लंबा बियर मोड कहा जा सकता है अब तक का, जो कि 2023 में देखने को मिला है, क्योंकि 22 में देखने को मिला है, क्योंकि पूरा 2022 बियर सीजन रहा है और अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसके अंदर भी जो यूजर्स हैं, जो क्रिप्टो अडॉप्शन है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, रेट भले ही थोड़ी कम होगी हो लेकिन बढ़ रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। पोलकाडॉट को आप मिस आउट नहीं कर सकते, ये बेस्ट अल्टकॉइन कहीं ना कहीं साबित होता है इस लिस्ट के अंदर। अभी इस लिस्ट में ये भी मत सोच लेना कि नंबर 1 पर किसको रखा है, 2nd पर किसको रखा है, सारे रैंडम है लेकिन सबसे बेस्ट वाले। अब एक कॉइन है बिटगर्ड। अब देखिए बिटगर्ड को देख के काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि यार इन्होंने अचानक से मीम कॉइन कैसे घुसेड़ दिया। पहली बात तो बिटगर्ड जो है वो मीम कॉइन बिल्कुल भी नहीं है,
एक काफी मजबूत डेफी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम पर और भी स्ट्रॉन्ग ये होने वाला है। इसके रिगार्डिंग काफी वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी मेरे ही चैनल पर, तो आप देख भी सकते हो अगर आपने बिटगट पहली बार नाम सुना है या फिर अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आपको आइडिया होगा ही कि बिटगट कितना अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट है। 2023 में बहुत तगड़ी तगड़ी जो इवेंट्स हैं, जो अपडेट्स हैं इसके अंदर आ रही हैं, जैसे कि खुद का एक्सचेंज ब्लॉकचेन, खुद का पेमेंट सॉल्यूशन, तो ये सबसे बड़ी यूटिलिटीज होती हैं कहीं ना कहीं क्रिप्टो के अंदर जो कि बिटगट करने वाला है। अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है और आने वाले टाइम पर अगर थोड़ा और भी डाउन जाता है, हालांकि ज़्यादा नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा सा अगर मिलता है, सपोज अगर ये 2122 की सीरीज तक आता है तो वो बेस्ट बाइंग जोन, बेस्ट प्राइस आपके लिए हो जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों डोज कॉइन, अब देखिए मीम कॉइन है लेकिन इसको मैं अल्टकॉइन में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि जैसे अभी ये 7 रुपये या 8 रुपये के आसपास चल रहा है, अगर ये थोड़ा 7 से नीचे यानी कि 6 रुपये 7 रुपये के बीच में आपको दिखता है तो ये आप पकड़ लेना, इनको उठा लेना, अच्छे खासे लेवल पर उठा सकते हो क्योंकि ये डेफिनेटली 12-13 रुपये कभी भी किसी भी टाइम कर सकता है। इसके लिए कोई टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हो सकता है आज से 5 दिन बाद कर दे, दिसंबर में कर दे, जनवरी में कर दे, 2023 में कभी भी कर सकता है। ये डिपेंडेड रहने वाले ट्विटर और इलोन मस्क पे और साथ ही साथ कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि डोज कॉइन के जो होल्डर्स हैं, जो कम्युनिटी है वो रैपिडली बढ़ रही है। फिलहाल देखा गया एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग कि जो डोज कॉइन के होल्डर्स हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो यानी कि जब से ट्विटर को एक्वायर किया है इलोन मस्क ने तब से लोगों को और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है डोज कॉइन से। देखिए अगर डोज कॉइन को टेस्ला एक्सेप्ट करती या फिर ट्विटर पर एज अ पेमेंट गेटवे इसको लिया जाता है तब तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है। इवन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नेक्स्ट बुल रन में ये $1 भी चला जाए, लेकिन उससे पहले भी आप मिनिमम भी लेके चलते हो तो 3 से 4 गुना 5 गुना का प्रॉफिट आपको काफ़ी अच्छे खासे तरीके से शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकता है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से भी बुक कर सकते हो। एक कॉइन और है सर दोस्तों, जैसा कि NNAM नेम और XEM भी बोलते हैं इसको, जो कि ZEM करके इसको बोला जाता है, तो ये कॉइन आपने देखा होगा, ये सिंबल आप देख लेना अगर आपने नहीं सुना है इसके बारे में। तो ये कॉइन ऐसा है दोस्तों, अगर इसका आप ऑल टाइम हाई देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या पावर थी इस कॉइन की भी। काफ़ी ज़्यादा इसने 2021 में रैली दिखाई है और उससे पहले अगर आप देखोगे तो 2018 में भी गजब का रैली इसका था। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो इसकी टीम है वो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। सॉरी नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हो गया है यहाँ पर, लेकिन जो ये नेम टोकन है इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक तो टीम काफ़ी एक्टिव है और रिसेंटली इन्होंने भी NFTs के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट दिए। अब आने वाले टाइम पर अगर ये NFTs और मेटावर्स में काम करेंगे तो फॉर श्योर इनके अंदर काफ़ी गजब का पंप देखने को मिल सकता है इसकी प्राइस में, और मिनिमम आप समझ सकते हो कि 5 से 20 गुना तक का प्रॉफिट आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो और काफ़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन रही है काफ़ी बढ़िया अगर इसके प्राइस को देखा जाए तो। फिलहाल वन डे का चार्ट तो आप देख सकते हो, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल सकती थी, लेकिन अगर इसका आप ऑल टाइम चार्ट देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी ये रखता है अभी भी फ्यूचर में प्रॉफिट देने की, और ये बिफोर बुल रन भी हो सकता है सारी चीज़ें। अब देखिए मैं हर कॉइन के साथ कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि बिफोर बुल रन ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो बिफोर बुल रन का मतलब ये है क्योंकि इनका अगर आप रोड मैप देखोगे, वेबसाइट देखोगे जाकर, तो आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम पर इनके रोड मैप के अकॉर्डिंग इन्होंने पहले से ही कुछ मेंशन किया हुआ है जो अपडेट्स इनके टाइम पर आने वाली है, जो कि 2023 में भी देखने को मिलेंगी। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर पे काफ़ी भर भर के अपडेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन ये करेंगे, तो उनकी वजह से डेफिनेटली मार्केट में पॉजिटिविटी अगर रही तो पंप गजब का देखने को मिल सकता है इन सभी के अंदर, और सारे के सारे अल्ट कॉइन हैं कहीं ना कहीं, तो उस वजह से ये बेस्ट हो जाते हैं अभी के टाइम पर। नेक्स्ट जो अपना कॉइन हो जाता है वो है शिबा इनू। अब देखिए शिबा इनू को कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, रीज़न ये है क्योंकि कंटिन्यूसली इनकी जो अपडेट्स आ रही हैं आने वाले टाइम पर, सिबीरियम जो इसकी खुद की ब्लॉकचेन आएगी तब ये नेटिव टोकन हो जाएगा, शिबा इनू कॉइन ये बनने वाला है, तो ये सबसे बड़ी बात है इसके अंदर सबसे पहले। तो उसके अलावा इसकी बर्निंग जो है अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसके बर्निंग पोर्टल पर, लेकिन आने वाले टाइम पर जैसा कि शिबा अल्टरनेटिव के रेवेन्यू की अगर बात करें तो उससे भी बर्निंग होने वाली है, जब इसकी खुद की ब्लॉकचेन ऑन बोर्ड हो जाएगी तो उसके बाद भी इसकी बर्निंग बढ़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसके बर्निंग को लेके कहीं ना कहीं ये काफ़ी चर्चे में रहा है, और उसके बावजूद अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम पर इसकी बर्निंग रेट बढ़ने ही वाली है, और डेफिनेटली अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में रहेगा तो शिबा इनू काफ़ी ऊपर जाएगा, और दिसंबर में एक इवेंट भी करवा रहा है शिबा इनू, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है, और वो भी पहले वीक के अंदर थोड़ा बहुत अच्छा खासा पंप इसकी प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है, और इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो आप ग्रेवी कर ही सकते हो, जितना आप डोज कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो लगभग उसी लेवल का शिबा इनू के अंदर डाल सकते हो, और ये वैसे भी अब कहीं ना कहीं एक मिनी अल्टकॉइन इसको कह सकते हैं, सेमी अल्टकॉइन मान सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आधा मीम कॉइन आधा अल्टकॉइन की तरह ये बिहेव कर रहा है, और ये डेफिनेटली आगे जाने वाला है। रीज़न ये है क्योंकि डोज कॉइन से सीधा सीधा इसका कंपेयर किया जाता है तो वही इसकी सबसे बड़ी विनिंग होती है कहीं ना कहीं, वही इसका सबसे बड़ा जीत है। उसके अलावा दोस्तों टेरा क्लासिक जो कि एलयूएनसी कॉइन है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है फिलहाल के टाइम पे, अगर आप देखोगे तो अगेन जब से MXC ग्लोबल ने इसकी बर्निंग को सपोर्ट किया है तो फिर से ये ट्रेंडिंग में आ गया है। एलयूएनसी कम्युनिटी, एलयूएनसी बर्न काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, आपको नज़र आ रहा होगा।
फिलहाल के टाइम पे दोस्तों एलयूएनसी इसलिए भी बेस्ट हो जाता है क्योंकि ये एक तो डेफी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है जो कि मेरी फेवरेट है पर्सनल, और अभी के टाइम पे लगभग सभी लोगों की ये फेवरेट हो चुकी है जो कि ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कैटेगरी डेफी, क्योंकि जब से ये FTX का कांड हुआ है या फिर जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उनकी इमेज जो है वो काफ़ी नेगेटिव होने लग गई है, तो उसके बाद में तो जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस चाहे वो एक्सचेंज हो चाहे प्रोजेक्ट हो उन पर ट्रस्ट जो है लोगों का काफ़ी ज़्यादा बन गया है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है अगर आप LUNC में एंट्री लेते हो। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आपको लेना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि आने वाले टाइम पर अगर आप बुलरन की बात करें जैसे कि 2024-23 की अगर बात करें तो वहाँ पर डेफिनेटली ये आपको 5-10 गुना का प्रॉफिट दे सकता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार हम तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए $1 10 रुपये इस तरह की जो प्राइस प्रेडिक्शन लगा रहे हो जो बता रहे हैं आपको वो कहीं ना कहीं एक अलग बेसिस है, क्योंकि अगर अभी के हिसाब से जो इसकी बर्निंग हो रही है उसको अगर डबल ट्रिपल या 5 गुना भी करके देख लें तब भी ये पॉसिबल नहीं होता है आने वाले 5-6 सालों के अंदर भी कि ये $1 चला जाए। अचानक से अगर इसकी टीम कुछ करती है जैसा कि डू ऑन अगर कुछ करता है या फिर कोई बड़े इन्फ्लुएंसर इसको हेल्प करता है इसकी बर्निंग के लिए अलग से, तब ये पॉसिबल हो सकता है। बाकी प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि $1 चला जाए, तो उस वहम में भी मत रहिएगा, आपको प्रॉफिट बुक करना है हर टाइम जब भी आपको ये अच्छा खासा पंप दिखाए जैसे कि 2-3 गुना वाला, और ये चीज़ LUNC में हमको बार बार देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको सारे टोकन्स पसंद आए होंगे और इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो थोड़ा सा मुझे आइडिया दे सकते हो आप कमेंट के अंदर। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।